नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा। आज तीसरा नवरात्र है और आज हम माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र के आकार का एक घंटा है। ऐसा माना जाता है कि माँ सिर्फ इसकी ध्वनि से ही अपने जितने भी असुर होते थे उनका विनाश कर दिया करती थी। तो आज हम ऐसी कामना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी, आपके जीवन में भी, जितनी भी बुराइयाँ हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसका माँ देवी नाश करेंगी। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं पहली राशि के साथ। जानते हैं आज का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके लिए कार्ड निकलता है 7 of Pentacles। आज कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं उसे थोड़ा सा सोच समझ कर करिए। बात करें अगर आपकी व्यवसाय की तो आज उन्नति के योग भी नजर आ रहे हैं। उपाय आज आपको ये करना है, सुबह उठकर सूर्य को जल दीजिए और उसमें रोली और अक्षत डाल कर दीजिए, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बात करते हैं वृषभ यानी कि आज का दिन टॉरस के लिए कैसा है। आपके लिए कार्ड निकलता है पेज ऑफ कप्स। आज हो सकता है आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज आपके काम के बीच में अड़चने दिखाई दे रही हैं। कोशिश कीजिए अपने काम को कल के ऊपर आज ना छोड़ें। रिश्तों में थोड़ी सी मिठास आती हुई नजर आ रही है और जीवन साथी के साथ आज जितना ज़्यादा आप उनको सपोर्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के दिन में आपके रिश्ते को लेकर के थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। आज उपाय की बात करी जाए तो आज के दिन में आपको शाम का जो समय है उसमें आपको तुलसी में दीपक जलाना है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ वांड्स। किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है, नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। निवेश के लिए यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए आज समय बहुत ही अच्छा है। रिश्तों में भी मिठास पड़ेगी, माता पिता का सहयोग आज आपको ज़रूर मिलेगा। उपाय आज आपको ये करना है, माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है और शाम के वक्त लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए कार्ड निकलता है 3 of Cups। आज सपोर्ट यानी कि सहयोग आज आपको हर तरफ से मिल रहा है। इसी के साथ साथ आज कोई ऐसा मित्र यानी कि जो काफ़ी समय से आपसे नहीं मिला हो, उससे मुलाकात हो सकती है और उसके ज़रिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आज किसी को कोई गिफ्ट यानी कि कहीं ना कहीं से कोई सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल सकता है। बात करें उपाय की तो आज भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इसी के साथ साथ भगवान विष्णु को येलो कलर के फ्लावर्स आज अर्पित करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। बात कर लेते हैं आज का दिन लियो के लिए कैसा है। आपके लिए कार्ड निकल रहा है 6 of Wands यानी कि आज के दिन में आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दूसरों के काम में आप हस्तक्षेप नहीं करें, किसी भी काम को कल के ऊपर ना छोड़ें। आज जीवन साथी का सहयोग आपको पूरा पूरा मिल रहा है। आज आपको उपाय क्या करना है, माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। बात करते हैं आज का दिन वर्गोस के लिए कैसा है। आपके लिए कार्ड निकल रहा है द टार यानी कि आज बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। खास तौर पे आप परेशान रहेंगे अपने रिलेशनशिप्स को लेकर और अपने व्यवसाय को लेकर। आज इन्वेस्टमेंट अगर करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो उसको आप कुछ समय बाद के लिए कोशिश कीजिए, आप कुछ समय डिले कर दीजिए उसे आप, क्योंकि आज इन्वेस्टमेंट प्लान्स बिल्कुल भी फलदायी नहीं रहेंगे। बात करें उपाय की तो भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए बहुत ही शुभ है और भगवान शिव को सुबह 11 बजे से पहले आपको व्हाइट कलर के फ्लावर्स चढ़ाने हैं। बात कर लेते हैं लिब्रंस की। आपके लिए कार्ड निकलता है 3 of Pentacles। आज सपोर्ट तो मिल रही है, खासतौर पे फाइनेंशियल सपोर्ट आज आपको किसी की तरफ से मिल सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे थे तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आज बहुत ही शुभ रहेगा। साथ में आज लेन देन का अगर मामले हैं यानी कि किसी की सौदेबाजी कर रहे हैं, कोई डील फाइनलाइज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आज समय काफ़ी शुभ रहेगा। आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही शुभ है। बात कर लेते हैं आज स्कॉर्पियंस के लिए कार्ड क्या कह रहे हैं। आपके लिए कार्ड निकल रहा है 9 of Wands। आज हो सकता है सेलिब्रेशन, किसी ऐसे ओकेजन की शुरुआत हो सकती है या काफ़ी लंबे समय से किसी ऐसे प्लान्स को करने के बारे में सोच रहे थे, किसी पार्टी को करने के बारे में सोच रहे थे, तो आज उसकी प्लानिंग्स में आप बिजी रहेंगे। साथ में आज फैमिली आपको पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है, आज पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। उपाय आज ये करना है, आपको लाल रंग के पेन का या लाल रंग का कुछ भी अपने साथ रखेंगे, आपके लिए लकी चार्म का काम करेगा। बात कर लेते हैं आज सैजिटेरियंस के लिए यानी कि धनु राशि वालों के दिन कैसा रहेगा। आपके लिए कार्ड निकलता है 7 of Swords। आज किसी भी वाद विवाद की स्थिति से थोड़ा सा बच के चलें तो बेहतर है। आज के दिन में फिजूल खर्चे भी हो सकती है, तो अगर शॉपिंग पर जाने के प्लान्स आपके बन रहे हैं तो उसे अवॉइड कीजिए। आज के दिन में उपाय आपको ये करना है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में आज के दिन में माँ के मंदिर में जा करके आपको लाल चुनरी भेंट करनी है। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। हम बात कर लेते हैं आज कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा दिन रहेगा। आपके लिए कार्ड निकल रहा है 9 of Swords।
आज के दिन में हो सकता है काम को लेकर आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी आज बहुत ज़्यादा प्रेशराइज, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज महसूस करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह लेकर के ही चलें। उपाय आज आपको ये करना है कि माँ सरस्वती की उपासना करनी है और सरस्वती मंत्र का जाप भी आपको करना है। हम बात कर लेते हैं क्वेरियंस की। आपके लिए कार्ड निकलता है द हीरो फ्रेंड। आज के दिन में हो सकता है आपकी गुरुजनों से आपको कोई ऐसी सीख मिल सकती है जिससे कि आज आप बहुत सोच समझ कर किसी भी काम को करेंगे। साथ में आज कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है नया बिजनेस को लेकर के या नए काम की शुरुआत करने के लिए। जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए आज दिन बहुत ही अच्छा है। आज निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। उपाय की बात करें तो ब्लू कलर का या ग्रे कलर को आज आपको अवॉइड करना है। बात कर लेते हैं आज मीन राशि वालों के लिए दिन कैसा है। आपके लिए कार्ड निकलता है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आज हो सकता है चीज़ें कॉन्टिन्यूशन में रहेंगी, किसी भी काम को आप कल के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। आज के दिन में रिश्ते भी आपके थोड़े से तनावपूर्ण रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेते हैं तो हो सकता है चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं। उपाय की बात करी जाए तो आज माँ लक्ष्मी की उपासना करना और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करने से आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, साथ ही में आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तो ये तो बात हुई 12 राशियों के बारे में, साथ ही आपको क्या उपाय करने हैं जिससे कि आपका दिन और बेहतर हो, ये मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ अभी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।